अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ सुरंदी के एक छोटे से इलाके में, और ये जो इलाका है ये अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, और बहुत खूबसूरत व्यू है इस इलाके का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया जाए। सो आइए आपको दिखा देते हैं। ये मेरे साथ एक दोस्त भी आ रहा है, और अभी आपको आगे का सीन दिखा देते हैं। रहा होना तो बस यहाँ बन के है। गाइस ये देखिए, यहाँ पर जो है ना ग्रीन इलाका है, और वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। और अभी जो है ना हम थोड़ा आगे भी जाकर आपको दिखा देते हैं कि वहाँ का व्यू कैसे है। और यहाँ का जो सीन है भाई, यहाँ पर सनसेट जो होता है ना, वो एवरी डे बहुत प्यारा सा सनसेट निकल कर आता है। लेकिन अभी थोड़ा जो है ना वेदर और क्लाउड्स आई हुई है, जिसकी वजह से सही से सनसेट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हम ऊपर जाके ना टॉप से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सनसेट किस तरह का दिखाई देता है। और ये एक क्रिकेट ग्राउंड है छोटा सा, यहाँ पर बच्चे वगैरह खेलते हैं। आज तो वैसे छुट्टी है इसकी, लेकिन यहाँ पर डेली खेलते हैं ये लोग, प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। और अभी हम इस रास्ते पे जाएंगे, और इंशाल्लाह जो है ना ऊपर टॉप पे पहुँच के ना आपको आगे का सीन दिखा देते हैं। गाइस ये जो इलाका है ना, ये बिल्कुल अनसीन है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। गाइस ये व्यू देखे जस्ट, बिल्कुल मौजेदारो। वो तो इंडिया में ना, या फिर पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान में, लेकिन अभी तो इस इलाके को बारिश ने खराब किया है। बिल्कुल ये जो रास्ता है ना, बारिश की वजह से खराब हुआ है, अगर आपको दिख रहा है ना कैमरा के लेंस में। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले ये बिल्कुल मंजेदार जैसा देखता था, लेकिन अभी तो इसको बारिश ने अपने साथ लेके दिया, बारिश ने खराब कर दिया। वैसे बारिश नहीं है ना, उसे कैसे देख रहा मशहूर था, उसे कब दे मैं जुदाड़ हुआ बोल कर दिया था। भाई लोग हम उधर से जो है ना यहाँ पर आ चुके हैं, और अभी और भी टॉप पे पहुँच रहे हैं। सो गाइस अभी हम फाइनली पहाड़ी इलाका में पहुंच चुके हैं। वी आर इंटर इन द माउंटेन्स एरिया, बट अभी तक जो है ना हम टॉप पे नहीं गए। अभी ऊपर का भी आपको सीन दिखा देते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा डैम भी है, वो भी आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत व्यू होता है। शर्म की था ना दो। बिल्कुल यार। शर्म हो रही।
ਆ ਵੀ ਕਿਉ ਦਾ ਤੋਂ ਸੀਰੇ ਦੇ ਭਾਸਤਾ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਮਾਲਾ ਆ ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿਉ ਪੋਸਟ ਕੇ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹਤ ਹੋ ਕੋ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਉਪਰ ਜਾਨ ਪੋਸਟ ਵੇਰ ਨਾ बहुत सर चिकेरा अगला अगला। वैसे तो गाइस ये देख सकते हैं, इस रास्ते पे आपको जो है ना ऊपर चढ़ना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चढ़ रहा हूँ। गाइस फाइनली जो है ना मैं टॉप पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। हर तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और वो दूर जो आपको नज़र आ रहा है ना वो एक छोटा सा डैम है, इतना छोटा भी नहीं है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है, तो बहुत ही खूबसूरत डैम है ये भी। हर तरफ लोग बैठे हुए अगर आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, लेकिन बहुत दूर दूर बैठे हुए तो सही से नज़र नहीं आते। और वो दूर मेरा एक दोस्त जो आ रहा है वो जो है ना थोड़ा सा लेजी टाइप है, इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया और वो अभी तक नीचे से आ रहा है। अच्छा तो गाइस वी आर स्टिल गोइंग अहेड, सो डैम का जो है ना वो भी व्यू दिखा देते हम आपको। और भाई ये है वो जगह जहाँ से सनसेट जो बहुत प्यारा निकल कर आता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है जी, यार आज बारिश होना चाहिए था क्योंकि धूप जो है ना बहुत सही है। तो गाइस फाइनली हम जो है ना डैम पे पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं डैम तो छोटा है लेकिन है बहुत प्यारा सा, इसमें आप नहा भी सकते हो क्योंकि ये बहुत प्योर पानी है, मतलब लाइक फिल्टर, क्योंकि ये जो पहाड़ों से नीचे उतरती है ना ये पानी तो बिल्कुल जो है ना फिल्टर हो जाती है। गाइस ये सीन देखे भाई, जस्ट लुक एट द सीन। यहाँ पर जब आप बैठ जाते हो ना तो दुनिया की जितने भी गम वगैरह होती है ना वो आपसे जो है ना भूल जाती है भाई। ये नज़ारा देख के ना बंदा इंजॉय करने के लिए आ जाता है इधर। सब पकाया साड़ी यार गाइस, यहाँ का जो सनसेट है ना वो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो दुनिया का सबसे प्यारा सनसेट व्यू यहाँ पे होता है। और ये गाइस आप देख सकते हैं, इसको हम छोटी जो है ना मिनी ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे जो हवा चलती है ना भाई, अगर आप फुल धूप में भी आ जाते हो ना तो यहाँ पर आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ये देखे, इसकी अभी तक बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन ये देखे भाई अभी फुल फ्रेश मूड में बैठा हुआ है। अच्छा तो गाइस, आज के व्लॉग को यहाँ पर मैं अख्तिताम पज़ीर करता हूँ। सो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।